आज मैं अपने चैनल इन्फो इटली में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका रेजिडेंसा इटली में आपका रेजिडेंसा गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या ख़राब हो जाता है या फट जाता है, तो आपने उसको जो है उसका डुप्लीकेट जो करता थी दंतीदा है वो कैसे बनवाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो से अपडेटेड होते रहें। और आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के थ्रू, वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिन दोस्तों का रेजिडेंसा अगर फट जाता है या गीला हो जाता है या बाज़ब ऐसे होता है कि आपकी जेब में आपका रेजिडेंसा रह गया और आपने जो है उसको धो दिया, वो ख़राब हो जाता है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप अपना वो फटा हुआ या वो ख़राब जो है वो रेजिडेंसा लेके कमोने में जाए, लेकिन शर्त ये है कि वो ख़राब होना चाहिए या फटा होना चाहिए, तो वही आप अपना डुप्लीकेट रेजिडेंसा बनवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसमें यह है कि आप जाएं वहाँ पे, अपना रेजिडेंसा साथ लेके जाएं, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं और दो फोटोकॉपी जो है वो साथ लेके जाएं। दोस्तों मैं माजरा चाहता हूँ, पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंसा जो है वो कैसे बनवाना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें मैं एक चीज़ भूल गया था कि जब आपका पुलिस या दिलोकाले का बंदा आपका कंट्रोल करके जाएगा, वो आपकी फाइल को कमोने में वापस ओके करके दे देगा, उसमें के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना जो है वो रचीबुता जो आपको देंगे, वो रचीबुता आपने जब आपने तमंदा किया था तब वो आपको रचीबुता देंगे, वो रचीबुता आपने साथ लेके जाना है। उसके अलावा आपने चार फोटो लेके जानी है, सॉरी मैं ये पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गया था कि आपने चार फोटो लेके जानी जानी जी जिनका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वो आपने साथ लेके जानी है। तो उसके उनकी कोई फीस है 5 यूरो 42 सेंट है, या बाज़ कमोने कम लेते हैं बाज़ थोड़ी, लेकिन ज़्यादा यही है कि ये है 5 यूरो 42 सेंट है, और इसमें वो आपको 10 साल का रेजिडेंसा बना के देते हैं। तो आइए अब दोबारा आते हैं, अगर आपका रेजिडेंसा ख़राब हो गया या फट गया है तो वो आपने साथ कमोने में लेके जाना है, और साथ तो अदद आपने वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो लेके जानी है अपनी, और जाके टोकन लेके अपनी बारी पे इंतज़ार के उन्हें आपको बोलना है कि मेरा रेजिडेंसा ख़राब हो गया, गीला हो गया, मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए। तो वो आपसे आपसे दो फोटो लेगी और बाज़ कमोने आपसे वही फ़ीस दोबारा चार्ज करेंगे, 5 यूरो कुछ है, बाज़ जो है वो 10 यूरो कुछ लेते हैं आपसे, वो डबल जो है वो चार्ज करते हैं। तो वो आपको दो फोटो आपसे लेगी और आपको आपका डुप्लीकेट एक नई डेट के साथ जो है वो आपको आपका रेजिडेंसा बना देगी। तो अब बात करते हैं जिन लोगों का रेजिडेंसा गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उन्होंने अपना रेजिडेंसा डुप्लीकेट रेजिडेंसा कैसे बनवाना है। तो उसमें तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने जो है दमुच्चा करवाना है, यानी जिसको हम उर्दू में पर्चा बोलते हैं, वो आपने जाके कारा बनेरी के दफ्तर से या बाल जो है किसी जो है पुलिस या कस्तूरा में वो पर्चा कटवाना पड़ता है, दमुच्चा कटवाना पड़ता है, या बाज़ जगहों पे वो जो है वो कारा बनेरी वाले ये दमुच्चा काटते हैं। तो आपने उधर जाना है, उधर जाके उनको बोलना है कि ऐसे ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं, मैंने दमुच्चा कटवाना है। तो वो आपने दमुच्चा कटवा के वो आपसे पूछेंगे आपका कहाँ गिरा है, सारी उसमें आपसे डिटेल पूछेंगे क्या क्या था आपकी पॉकेट में या क्या क्या गिरा है, तो आपने सारा बताना है किधर गिरा है वो सारा दमुच्चा। जब वो आपको बना देंगे, वो आपको एक फ़ोटो वो एक खुद रख लेंगे, एक वो आपको जो दमुच्चे की कॉपी है वो आपको दे देंगे। तो आपने वो दमुच्चा साथ लेके जाना है, क्योंकि दमुच्चे के बगैर अगर आपका रेजिडेंसा चोरी हो गया है या गुम हो गया है तो वो दमुच्चे के बगैर आपको रेजिडेंसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना के देंगे। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका इटली में गुम होता है, आपकी परमेसो दी सजोर्नो, आपका जो कोई फिस्काले है, तो दमुच्चे के बगैर आप जो है उसको डुप्लीकेट उसका नहीं बनवा सकते। तो जब आप दमुच्चा लेके या पर्चा यानी पर्चा लेके आप कमोने आएंगे, तो उनको आपने अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, बोलना है ऐसे ऐसे मेरा रेजिडेंसा गुम हो गया है, वो दमुच्चा आपने उनको देना है, और साथ दो अदद फोटो भी आपने लेके जानी है, और कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं,
बाज दफा हो सकता है जो बंदा उधर बैठा हुआ है वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो उसमें फिर ये है कि वो आपसे दो फोटो लेगा, आप वही फीस चार्ज हो आपका अगर रेजिडेंस का पटा है वही फीस आपसे, या 5 यूरो 42 सेंट या आपसे 10 यूरो या 52 सेंट कुछ इस तरह से मुतलक उन्होंने जो है वो जो है फीस से चार्ज करते हैं। तो उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को बता दूं कि अभी इटली में जो है वो एक नया रेजिडेंसा जो उन्होंने शुरू किया है वो इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसा है, छोटे कार्ड जैसा है जैसे आपकी परमेश्वर दी सजोर्नो है, वो अभी इटली के मुख्तलिफ प्रोविंशों में उन्होंने शुरू कर दिया है और उसकी फीस उन्होंने थोड़ी ज़्यादा रखी है। उसका तरीकाकार तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो आपने कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें यह है कि अगर आपका रेजिडेंसा गुम हो जाता है या आपका फट जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका रेजिडेंसा है कर्ता दीदंतीता वो आप अगर तब भी आप बना सकते हैं, अगर आपका गुम हो जाता है या आपका फट जाता है तो उसी सिलसिले में आप अपना जो है कर्ता दीदंतीता इलेक्ट्रॉनिक वो आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपना जो कर्ता दीदंतीता इलेक्ट्रॉनिक है वो कैसे ले सकते हैं, उसकी कितनी फीस है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उसका उसका लेने का तरीका क्या है। तो इंतज़ार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो मैं कोशिश करूँगा अपने इस रेजिडेंसा की वीडियो को मैं अपनी जो है पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से अपनी वीडियो के नीचे जो है लिखूंगा ताकि आपको मेरी ये वीडियो सर्च करने में आसानी हो। तो दोस्तों जल्द ही इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इटली में कर्ता दीदंतीता इलेक्ट्रॉनिक कैसे ले सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो